बीमारियों के एक सबसे बड़े कारण आप खुद, अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, फिर बाहर और फिर ये प्रारंभ। तो प्रिंसिपल क्या है योग का? डिजीज़ के तो ऐसे मैंने कहा बड़े कारण, और एक एक के ऊपर बहुत काम हो चुका है पूरी दुनिया में कि बीमारियाँ कैसे, क्या क्यों होती हैं, ठीक कैसे होंगी। तो ठीक है, एक तो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि जो भी शरीर में कुछ विकृतियाँ होती हैं, भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले लो, शुगर बढ़ गया तो शुगर की, बीपी बढ़ गया तो बीपी की, थायराइड है तो थायराइड की, फिर उसके कारण से दवाइयाँ खाते खाते आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो कॉम्प्लिकेशंस की दवाई ले लो, फिर उन कॉम्प्लिकेशंस की दवाइयों से भी कुछ और साइड इफेक्ट हो गए तो उसकी ओर ले लो, ऐसे ही ये चक्रव्यूह है। एक है सिस्टेमिक इलाज, एक है सिम्टोमेटिक इलाज। क्या है बोलो? सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स को अच्छा करते हैं। तो एलोपैथी के 99% जो ट्रीटमेंट हैं वो हैं सिम्टम्स के आधार पर, सिम्टम्स के आधार पर सिस्टम। और दूसरा है सिस्टेमिक, एक सिम्टोमेटिक, कोई भी सिस्टम्स हैं, कोई भी सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स को दूर करने के लिए आप अलग अलग दवाइयां खा लेते हैं, ये एलोपैथी की दवाई है। और हम क्या करते हैं, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं, जोर से बोलो, सिस्टेमिक, सारे बोलो एक बार। तो कुछ ऐसे जो कम जानते हैं, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, बीमारियां कैसे होती हैं, उनको ठीक कैसे करते हैं, फिर वो परेशान से ही रहते हैं, अजी मेरे को ये बीमारी होगी, जी मेरी कैसे ठीक होगी। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे, बीमारी क्यों हुई? बीमारी हुई सिस्टम के कमज़ोर होने से। मैंने कहा सबसे पहले बड़े कारण आप।